हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकाले। राहुल गांधी जी को क्या जरूरत पड़ गई, क्यों पैदल चल रहे हैं? जनता के लिए, गरीब के लिए, देश को एक करने के लिए। आज हिंदुस्तान में जातिवाद, धर्मवाद, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उनके लिए राहुल गांधी जी आज पदयात्रा कर रहे हैं। तो इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ये चला गया है। इस अभियान कार्यक्रम में हमारे जिले के ऊर्जा मंत्री, प्रभारी मंत्री सम्माननीय भगत सिंह जी भाटी साहब, हमारे पीसीसी से वंशावली के हमारे सदस्य अध्यक्ष राम सिंह जी, हमारे प्रभारी सह प्रभारी सचिन सरवटे जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश जी, हमारे पूर्व सांसद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ताराचंद जी भगुरा जी, पूर्व एमएलए सागवाड़ा सुरेंद्र जी बमणिया जी, राज्य मंत्री असरार जी, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार जी, पूर्व एमएलए साहब घाटिया जी, महेंद्र बरजोड़ जी, मंजुला जी और हमारे सबके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलए साहब चौरासी के शंकरलाल जी, सभी प्रधानगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जाबाज साथियों, सभी बातें तो सबने बता दी अपने अपने तरीके से। वास्तव में ये हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान चलाया जाएगा उसमें सबकी जिम्मेदारी चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। किसी एक व्यक्ति से ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश रैली निकाल रही है, फिर भी हम चुप हैं। इस बात का जन आक्रोश रैली निकाल रही वही समझ में नहीं आया। 2 साल तक तो कोरोना था, 2 साल तक सरकार ने इतना काम किया है जो कभी नहीं हुआ इतिहास में, इतना काम किया है। और जनता खुश भी है, जनता को बताना पड़ रहा है। कई में हमारे माधोगमड़ा आए थे सुरेंद्र बामणिया जी, पूर्व एमएलए साहब, तो महिलाओं से पूछा नरेगा किसने चालू की, कोई के हमारे सरपंच साहब कर रहे हैं। तो अभी तक नरेगा 2005-06 से कांग्रेस ने चालू किए, वो अभी तक लोगों को बता नहीं है योजना, लेकिन हम वो योजना बताना नहीं चाह रहे हैं। लोगों तक वो योजना नहीं पहुंच रही है, बताना नहीं चाह रहे हैं कि ये योजना चालू किसने की है। जब तक हम उनको जाके नहीं बताएंगे तब तक उनको पता नहीं है। कई सारी योजना है, ये बताना पड़ेगा और घूमना भी पड़ेगा। हम सब मिलकर आपका जो भी निर्देश होगा हम सब इसकी पालना करेंगे।